जब कोई इंसान कभी गलती करता है तो बहुत कम होता है कि वो अपने आप को सज़ा दे, बल्कि इंसान तो पहले अपनी गलती मानता भी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ ऐसा करते हैं कि वो जब भी कोई गलती करता है तो अपने आप को सज़ा ज़रूर देता है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा था। स्टीवन स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी की तरह है, जब वो 4 रन्स पर बैटिंग कर रहा था तो यासिर शाह ने उन्हें 4 रन्स पर बोल्ड कर दिया और यासिर शाह ने विकेट का जश्न मनाते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों से 7 का इशारा किया, जिसका मतलब था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, जो टेस्ट रैंक में वर्ल्ड नंबर 1 है, को 7 मरतबा आउट किया है। तो ये 7 उंगलियां दिखाकर यासिर शाह ने अपने फतह का जश्न मनाया। दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ ने यह इंकशाफ एक टीवी इंटरव्यू में किया कि मैं जब इस टेस्ट में 4 रन्स पर यासिर शाह की गेंद पर आउट हुआ तो जब हम क्रिकेट स्टेडियम से अपने होटल जा रहे थे तो मैं पैदल होटल जाने लगा और मैंने दूसरे खिलाड़ियों के साथ बस में जाना गवारा नहीं किया, और ये पैदल जाना इसलिए था कि मैं अपने आप को सज़ा दे रहा था कि फिर मुझे याद हो कि मैंने कौन सी गलती की, ताकि उस गलती पर काबू पा सकूं। स्टीवन स्मिथ का मज़ीद कहना था कि मैं जब भी कोई गलती करता हूं तो अपने आप को सज़ा ज़रूर देता हूं ताकि वो गलती मुझे याद रहे, लेकिन जब कोई अच्छी कारकर्दगी देता हूं, कोई सेंचुरी या 50 स्कोर करता हूं, या फील्डिंग या बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाता हूं, तो फिर मैं अपने आप को इनाम भी देता हूं, और मेरा सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि मैं चॉकलेट खाता हूं।